पंजाब सरकार द्वारा करीब 700 करोड़ रुपए के बकाया वैट रिफंड न देने के रोष प्रूफ 17 अप्रैल को इंडस्ट्री सफेद रंग की टी शर्ट व काले रंग का टैग लगाकर लुधियाना के विश्वकर्मा चौक में रोष प्रदर्शन करेगी। इस रोष प्रदर्शन में ऑटो पार्ट एसोसिएशन के अलावा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपनी 40 एसोसिएशन के साथ धरने में हिस्सा लेगी। व्यापारियों द्वारा इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर फीको के प्रधान गुरमीत सिंह कलार ने बताया कि करीब 2 साल पुराना करोड़ रुपए का वैट फंड बकाया पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस धरने में 40 एसोसिएशन द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है और ये प्रदर्शन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसके लिए सोई हुई सरकार को जगाया जाएगा। नहीं दे रही जिहड़ा कि एक बहुत बड़ा जुलाई तो हुण तक दा वैटर फंड साडा पेंडिंग पिया, जुलाई तो पुराना तकरीबन 2 साल पुराना करोड़ा रुपया वैटर फंड पिया वा। सरकार उस दे बारे कोई सोच नहीं रही। असीं अपील करदे आं गवर्नमेंट नूं कि जिन्नी जल्दी साडा वैटर फंड जिहड़ा ओह कीता जावे। कल इक प्रदर्शन विश्वकर्मा चौंक दे विच कीता जा रिहा है कि सरकार साडा जिहड़ा वैटर फंड आ ओह जल्दी तो जल्दी रिलीज करे। 40 ऑर्गेनाइजेशन इस दे विच पार्टीसिपेट कर रही ने और ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਰ ਫੰਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੈਟਰ ਫੰਡ ਪਿਆ ਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਲਿਮਿਟਸ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा के साथ कुलबीर राही की रिपोर्ट।